पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला पूरा फॉर्जरी का है। ये जेरोक्स पेपर पर छाया प्रति के आधार पर छवि रंजन ने इसका मोटेशन अलाउ कर दिया, और अलाउ करने के बाद जबरदस्ती 30 जून को हमारे ज़मीन में 150 फोर्स लगा के हम लोग को बेदखल कर दिया, जबकि हम लोग जमींदार खतियान मालिक हैं, बकास मालिक हैं। हम लोग का ज़मीन का लगान केवल निर्धारण नहीं था, जमाबंदी हमारा चल आ रहा था, हम लोगों ने लगान निर्धारण के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने क्या किया, सुधीर दास जो जालसाज है उसने विनोद सिंह के नाम से पेपर बनाया, विनोद सिंह के फादर के नाम, रूप नारायण सिंह के नाम से, और जो बोलता है कि हमारा रिकॉर्ड रूम में नहीं है, फट गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिकॉर्ड रूम में था ही नहीं, उस नंबर में दूसरा कुछ और है। जबकि इस सबको जांच नहीं करके हमारे डीसी पैसा लेके इसको पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेके जबरदस्ती हम लोग को ज़मीन खाली कराए, और जिसको हम लोग हाईकोर्ट में गए, सिंगल बेंच ने उनके आदेश को खारिज कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। फिर हमने इस स्वीकृत को लेकर LRDC या CO के पास गए कि ऐसा हो गया, इसको खारिज कर दीजिए, लेकिन उन सब इतना मन बढ़ा हुआ है कि उनको लगता है कि हाईकोर्ट भी कुछ नहीं, उनके सामने कुछ नहीं किया। फिर हम लोगों ने डबल बेंच गया, वो लोग अपील में गया डबल बेंच ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद ने हमने चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, DC, LRDC, राज्यपाल, CM एवं CO को फिर से हम लोगों ने आवेदन किया कि डबल बेंच में हमारा उनके आदेश को खारिज कर दिया, हम उनका जमानबंदी खारिज करके हमारा जमानबंदी खोला जाए। लेकिन आज तक LRDC और CO इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। इस प्रकरण में छवि रंजन ने हम लोग को धमकी भी दिया, प्रेम प्रकाश के नाम आप जानते होंगे जो पूजा सिंघल के केस में है, हम लोग को अपने दलान में बुलाकर धमकी दिया, अगर आप लोग केस किए तो बहुत बुरा अंजाम होगा, कुछ भी हो सकता है, आप लोग ज़मीन लौटा नहीं सकते हैं, आप लोग ज़मीन ऊपर पिंटू श्रीवास्तव है उसके गाइडलाइन में काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आज हम ED के अपने यहाँ आवेदन दिए कि ED ने इन संज्ञान में लिया और एक कार्रवाई कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ED इसको अच्छा जगह पर पहुंचाएगी, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय दिलाएगी। परिचय बताइए। मेरा नाम अश्विनी कुमार साहू है, मैं इस ज़मीन का बकास मालिक हूँ। ज़मीन कौन सा, कहाँ पर? ये बजरा में है, 140 खाता नंबर है, अंचल है हेहल, बजरा मौजा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।